सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उनकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। हम स्पष्ट हैं कि हम अपने लोगों को बटने देंगे और हमें अपने लोगों की चिंता है। अगर कोई साजिश करके, कोई षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने काम किया, छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, डाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हकों पे। बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम अब पीछे हटने वाले नहीं है। देखिये, मैंने जिस दिन ये ऑर्डर आया था उसी दिन अपना पक्ष रख दिया था। पहली बात, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं है कि उसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए। उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जाति उत्पीड़न है। तो सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उनकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। फिर उसके आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उसके आर्थिक आंकड़े भी जो है जारी करने पड़ेंगे, तभी वो सब चीजों कर सकती है। तो उनको करना पहले चाहिए। अगर वो दलित वर्गों के इतनी तेजी है तो उनको सब सारा बैकलॉग भरवाना चाहिए और जातिगत जनगणना के ऑर्डर सरकार को देने चाहिए। अगर एससी एसटी एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। हम तो लंबे समय से अभी जो है एसजीपीजी जो है वहां लखनऊ में और इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी में, जिस तरह से एनएफएस करके हमारे लोगों को निकाला गया, ये स्पष्ट है। उन एनएफएस को भरवाने के लिए सरकार ने क्या किया है? उन एनएफएस को भरवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? तो वो कुछ नहीं किया है। हाँ, हमेशा कोशिश ये की गई है कि इनके जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी ताकत कम किया जाए। अब एससी एसटी बटने वाले नहीं। आप ही देख लो इस फैसले का कितना समर्थन, कितना विरोध हो रहा है। तमाम लोगों में इसका विरोध है। तो हम स्पष्ट हैं कि हम अपने लोगों को बटने देंगे और हमें अपने लोगों की चिंता है, इसलिए हमने स्वतः जो है 1.5 साल पहले ही मांग की थी कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिला है उनको उनका आरक्षण बढ़ा के 15% शेड्यूल कास्ट को मिलता है और 5% बढ़ा के उन बाकी जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार करे। ये 1.5 साल पहले हमने लखनऊ पीसी करके कहा था और दिल्ली में भी, और जो ओबीसी की वैसी जाति है उनको भी जो है 15% अलग से रिजर्वेशन देने का काम जो है 27% अतिरिक्त सरकार करे। लेकिन कहां सुना? सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना। तो जब आप ईडब्ल्यूएस 10% दे सकते हो तो आप जो है 5% शेड्यूल कास्ट के लोगों को बढ़ा क्यों दे सकते? तो मेरा मत तो ये है कि 100% रिजर्वेशन 2% सरकारी नौकरियों में कर देना चाहिए। 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन होगा तो इसकी इतनी संख्या उसको आधार पर उसको मिलना चाहिए। हम सहमत है, हमारे भाइयों को कुछ मिलेगा तो हम तो आगे बढ़कर उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर कोई साजिश करके, कोई षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने का काम किया, छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, डाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हकों पर। इसके लिए चाहे सरकार से जो अध्यादेश लाने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपिटिशन दाखिल करने की बात हो, या मैं आज सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं या जो सामाजिक न्याय को मानते हैं उन सब से चर्चा करूंगा और बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम अब पीछे हटने वाले नहीं। हम अपने अधिकारों के लिए, स्पेशली मैं चंद्रशेखर आजाद, अपने लोगों के अधिकारों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश की तरफ रहूंगा, लेकिन जब मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं समाज की तरफ रहूंगा। मैं फिर आज कहता हूं कि अगर कोई भी हमारे अधिकारों छीनने काम करेगा तो हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने समुदाय के साथ खड़ा हूं, उनको ना बटने दूंगा ना उनके अधिकार में कटौती होने दूंगा। उनके लिए खड़ा हूं, उनके लिए था, उनके लिए हूं और उन्हीं के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड में बात आ रही है, वक्फ बोर्ड के वक्फ एक्ट की चेंजेस होने वाले हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट बदलने वाले हैं जिससे प्रॉपर्टी मुसलमानों की कितनी हितैषी है। केंद्र और यूपी की सरकार और तमाम सरकारें बीजेपी की, इसकी से छिपावा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, आपका मकसद जो है इन वर्गों को कमजोर करना हो सकता है, ताकतवर करना नहीं हो सकता कभी। ये हम अच्छी तरह जानते हैं।